भारत की वीरता के इतिहास में अनेक महान सपूतों के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं, जो देश की अस्मिता और गौरव के लिए मरमिटे। आज हम मराठा साम्राज्य के महान शूरवीर छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करेंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 19 फरवरी 1630 को शाहजी भोसले और जीजाबाई के घर एक शूरवीर दीपक का आगमन हुआ था। बालक का नाम भगवान शिव के नाम पर शिवाजी रखा गया। छत्रपति शिवाजी को शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता है। जब उनका जन्म हुआ तब उनके पिता पुणे के निकट जुन्नर नगर के पास शिवनेरी दुर्ग में एक सहायक के रूप में नियुक्त थे। उनका बचपन उनकी माता जीजाऊ माँ साहेब के मार्गदर्शन में बीता। शिवाजी सभी कलाओं में माहिर थे। उन्होंने बचपन में राजनीति और युद्ध की शिक्षा ली थी। बचपन से ही वे युद्ध के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार से समझने लगे थे और यहीं से शुरू हुआ था शिवाजी राजे का वीरतापूर्ण सफर। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेलते थे। युवावस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक रूप में बदल गया और शिवाजी ने शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले जीतने लगे। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरण जैसे किलों पर अपना अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म की सारे दक्षिण में धूम मच गई। ये खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली तक जा पहुंची। अत्याचारी किस्म के तुर्क, यवन और उनके सहायक सभी शासन उनका नाम सुनकर ही थरथर कांपने लगते थे। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी ना बना सके तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। इस बात की खबर जब शिवाजी को मिली तो वे आग बबूला हो गए। इसके बाद उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापेमारी की और जल्द ही अपने पिता को उस कैद से आजाद करवा लिया। तब बीजापुर के शासक ने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा और ये आदेश दिया कि शिवाजी को जीवित या मुर्दा पकड़कर उनके सामने लाया जाए। इसके बाद अफजल खां ने भाईचारे और सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों में घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे बखनखे का शिकार होकर वो स्वयं मारा गया। मुगल बादशाह औरंगजेब भी शिवाजी के बढ़ते प्रताप से काफी चिंतित थे, इसलिए बादशाह ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। लेकिन इस युद्ध में सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी से लड़ाई के दौरान उनकी सारी उंगलियां कट गई, यहां तक कि सूबेदार को युद्ध में अपना पुत्र भी खोना पड़ा। इस घटना के बाद औरंगजेब ने अपने सबसे प्रभावशाली सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में लगभग 1,00,000 सैनिकों की फौज भेजी ताकि वे शिवाजी को कुचल सके, लेकिन राजा जयसिंह भी अपनी योजना में सफल नहीं हो पाए। और एक बार फिर मुगलों को हरा कर शिवाजी ने अपने नाम एक और जीत दर्ज कर ली। तो ये थी भारत के वीर पुत्र छत्रपति शिवाजी की कहानी। ऐसे ही ऐतिहासिक कहानियों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव 24। सौ फीसदी प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।